नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर कमरे में बंधक बना दिया और घर में रखे नकदी सहित लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों के डर से लोग डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के गांव दबखेड़ी का है, जहां पर रात के समय में हथियारों से लैस नकाब पोश बदमाशों ने गांव में ही दखल दिया और इसके बाद आरपीएफ के जवान के घर धावा भी बोलते हुए परिजनों को नशीला पदार्थ सुंघाकर कमरे में बंधक बना लिया और 45,000 की नकदी सहित 6,00,000 के जेवरात लूट कर फरार हो गए। और वहीं बदमाशों के जाने के बाद परिजनों के शोर मचाने के बाद ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजनों को बंधक मुक्त कराया। मकान स्वामी नरेश कुमार ने बताया है कि सोमवार की रात्रि में नकाबपोश 2 से ज्यादा बदमाश बुग्गी के सहारे दीवार फांद कर उनके घर में घुस आए और एक कमरे में सो रही उनकी मां को नशीला पदार्थ सुंघा दिया और वहां रखी रस्सी लेकर ऊपर आ गए। उसके बाद ही कमरे के दरवाजे को रस्सी से बांधने के बाद उसके भाई गोरखपुर में ही आरपीएफ में तैनात रवि कुमार के कमरे का ताला तोड़कर वहां अलमारी में रखे 45,000 रुपए सहित 12 तोले सोने के आभूषण, 1 किलोग्राम चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर निकल गए। बदमाश जेवरात के खाली खोखे गांव के बाहर नदी के पास फेंक गए और बदमाशों ने जाने पर ही उनके शोर पर आसपास के लोगों ने आकर उनके दरवाजे की रस्सी खोलकर बाहर निकाला और इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की तहरीर पर ही ललित कुमार की ओर से पुलिस को ये सूचना दी गई थी और देर रात्रि में लगभग SP दिनेश सिंह और DIG शलब माथुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित को घटना के लिए शीघ्र अनावरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। चोरी की बाइक की तलाश में निकली दिनेशपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अभियान के दौरान 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी की गई 18 बाइकों को बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने पुलिस टीम को 15,000 का इनाम भी दिया है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC द्वारा दिनेशपुर थाने में खुलासा करते हुए बताया गया है कि कुछ दिन पहले रुद्रपुर निवासी एक युवक ने अपनी बाइक चोरी होने की सूचना दिनेशपुर पुलिस को दी थी और जिस पर ही त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने टीम का गठन किया और इसके बाद ही सोमवार को चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई 17 अन्य बाइकें बरामद की गई हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC ने बताया है कि पकड़े गए आरोपी में से एक आरोपी के ऊपर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था और यह गिरोह उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों से बाइक चोरी कर सस्ते दामों में बेच देते थे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे सुरंग निर्माण में खराब गुणवत्ता का स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था पर आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों द्वारा सुरंग निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले डस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल रेलवे परियोजना के तहत रानी हाट में ही रेलवे टनल निर्माण में मिट्टी नुमा डस्ट प्रयोग की जा रही है, जिसमें टनल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना वॉस्टिंग प्लांट के ही पत्थरों से डस्ट निकाला जा रहा है जो कि मिट्टी नुमा है और सुरंग में प्रयोग की जाने वाली डस्ट की वैज्ञानिकों से जांच कराई जाने की भी स्थानीय और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय लोग प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेज चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता टेक सिंह नेगी ने स्पष्ट किया है कि अगर जल्द ही सुरंग निर्माण में लगी डस्ट की गुणवत्ता की जाँच वैज्ञानिकों से अगर कराई जाने की मांग है और कहा गया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। जहां से ये डस्ट आता है क्रेशर से, उस क्रेशर में सबसे पहले तो वॉशिंग प्लांट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टेरी डैम का भी काम देख चुके हैं जहां रोड़ी डस्ट पूरा वॉशिंग करके ही डैम में लगता था और यहां देख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मिट्टी लगा रहे हैं पूरा, मैंने आपको दिखाई दिया है, वहाँ उसका कोई वॉशिंग प्लांट है नहीं। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये उनके साथ भी बट्टा लगा रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी लगा रहे हैं।
कल को कोई जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सुरंग झक जाएगी तब क्या होगा? इतने कहने पर भी प्रशासन होश पे नहीं आ रहा है। मैं तो इन इंजीनियरों के जो डिग्री है उन पर भी सवाल खड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विधायक और पूर्व विधायकों सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसियों ने आज भारत जोड़ो यात्रा में भागीदारी किए जाने राजस्थान पहुंचकर मालाखेड़ा अलवर में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया है। और इस दौरान उत्तरकाशी गंगोत्री से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता विजयपाल सजवार सहित प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, जसपुर विधायक आदेश चौहान, द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट और इसके साथ ही पूर्व विधायक राजपुर और इसके साथ ही रोड राजकुमार, राजपाल खरोला सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अलवर में जनसभा आयोजित हुई है, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे उत्तरकाशी से यहाँ पूर्व विधायक जो विजयपाल सजवाण जी हैं, उन्होंने गंगोत्री धाम से जो ये यात्रा को अपना चालू किया था, यात्रा को स्टार्ट किया था भारत जोड़ो अभियान यहाँ पर राहुल जी के नेतृत्व में। तो यहाँ राजस्थान में उन्होंने भारी संख्या में यहाँ से लोग जुड़े हैं। उत्तरकाशी की बात की जाए तो काफी दिग्गज प्रत्याशी भी यहाँ से मौजूद रहे हैं विजयपाल सजवाण जी के साथ, और इस यात्रा में उन्होंने भागीदारी निभाई है। तो कल की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में विजयपाल सजवाण के साथ जनसभा जुड़ी है और लोग बढ़ चढ़कर विजयपाल सजवाण जी का साथ दिया और इस यात्रा में सहयोग दिया। जी सुमित, इसमें वरिष्ठ नेता भी कई शामिल हुए हैं और क्या क्या इस प्रोग्राम में हुआ वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, वरिष्ठ नेता की बात की जाए जो कांग्रेस के जो दिग्गज चेहरे हैं वो भी इसमें शामिल रहे हैं, जैसे प्रीतम जी भी यहाँ शामिल रहे हैं, विजयपाल सजवाण भी शामिल रहे हैं और कई विधायक इसमें इस यात्रा में शामिल रहे, राजपाल थोड़ा सहित अनेक वरिष्ठ नेता इस यात्रा में जुड़े हैं और तमाम प्रत्याशियों ने इस यात्रा में भाग लिया। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर अलवर में जनसभा हुई है। बताया जा रहा है कि अनेक यहां पर वरिष्ठ जो नेता थे वो मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जनसभा में कई तरह की बातचीत भी की गई है। बस्ती जिले में दो फर्जी टीचरों को बीएसए ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। फर्जी मार्कशीट के सहारे सालों से ये दोनों फर्जी टीचर नौकरी कर रहे थे और इनके खिलाफ बीएसए ने मुकदमा दर्ज कर वेतन के वसूली का आदेश दिया है। और बता दें आपको कि पहली फर्जी सहायक अध्यापिका जो है वो अनीता सिंह सन 1994 से नौकरी कर रही हैं और मौजूदा समय में प्राथमिक विद्यालय दासिया में टीचर थी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जब पैरोल मॉड्यूल पर उनका डेटा अपलोड किया गया तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि असली टीचर अनीता सिंह मऊ जिले के खवाजा जहांपुर में टीचर है। हाई स्कूल के अंक पत्र की जांच में प्रकाश में आया कि वास्तविक अनीता सिंह मऊ में पढ़ा रही हैं और उनकी जगह पर फर्जी टीचर अनीता सिंह बस्ती में पढ़ा रही हैं। वहीं दूसरी फर्जी टीचर प्रेमलता सिंह 1997 से टीचर की हैं और इस समय प्राथमिक विद्यालय महुआ डाबर में प्रधान अध्यापिका के पद पर तैनात थी। इनके खिलाफ असली टीचर प्रेमलता सिंह जो कि गोरखपुर में सहायक अध्यापिका है उनकी शिकायत थी और उसकी प्रेमलता सिंह के अभिलेख और पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए बस्ती की प्रेमलता ने नौकरी हथिया ली थी। और शिकायत पर जब विभागीय जांच शुरू हुई तो इस फर्जी वाले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने बताया है कि जांच में दोनों टीचर फर्जी अभिलेख से कई सालों से ही नौकरी कर रही थी और जांच रिपोर्ट के बाद दोनों टीचरों की सेवा समाप्त कर दी गई है और साथ ही मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और जो भी नौकरी के दौरान इन्होंने वेतन लिया है उसकी रिकवरी का भी आदेश दिया गया है।
जी, हमारे यहाँ दो शिक्षिकाएं जो है जो फर्जी दस्तावेज का धर्म कार्यरत थी, एक है अनीता सिंह जो 1994 से सल्टेगुआ ब्लॉक कार्यरत, दूसरी है हमारी प्रेमलता सिंह जो हमारे गौर ब्लॉक में कार्यरत थी, ये 1997 से कर रही हैं। तो दोनों शिक्षिकाओं की शिकायत हुई, शिकायत में जब जांच कराई गई तो शिकायत पुष्ट पाई गई कि ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रही हैं। जो ओरिजिनल शिक्षिका हैं उसमें प्रेमलता सिंह मऊ में कार्यरत हैं, जो हमारी अनीता सिंह हैं वो गोरखपुर में कार्यरत हैं। इन दोनों के दस्तावेज का उपयोग करके यहाँ नौकरी की जा रही थी, अब इनके बर्खास्त कर दिया गया है। हरदोई जगदेशपुर मार्ग पर नौनार कोतवाली क्षेत्र के न्योरा देव के पास सड़क के किनारे काम कर रही जेसीबी मशीन से स्कूली वैन टकरा गई और जिसमें 8 बच्चे जख्मी हो गए हैं और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि एसडीएम सदर स्वाति शुक्ल भी मौके पर पहुंची और बच्चों का हालचाल जाना है। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे स्वायजपुर में मौजूद नारायण पब्लिक स्कूल की वैन सिलवारी नकटोरा गाँव की ओर से 8 बच्चों को लेकर वापस स्कूल जा रही थी और इसी बीच रास्ते में लोनार थाना क्षेत्र के नेवरा देव के पास सड़क के किनारे काम कर रही जेसीबी से वैन टकरा गई और वैन में सवार 8 बच्चे जख्मी हो गए, जिसमें 3 बच्चों की हालत नाजुक के कारण उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और इंस्पेक्टर विनोद कुमार के मुताबिक 5 बच्चों को उनके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया गया है। उनके कम चोट होने के कारण परिजन उन्हें लेकर अपने घर चले गए हैं, हालांकि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोकरापुरा शोला के ही जहरीले फल खाने से 8 बच्चों की हालत खराब हो गई है। डॉक्टर्स सभी बच्चों के उपचार में जुट गए हैं। बता दें आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय की इमरजेंसी में ही बच्चों को भर्ती कराया गया है और बच्चे बकरी चराने गए हुए थे, उसके बाद तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में परिजनों ने भर्ती करवाया है। बच्चों ने कुछ ऐसा केमिकल पदार्थ खा लिया जिससे कि उन्हें रिएक्शन हो गया और वो लोग उल्टी कर रहे हैं, पर उनके पेट में दर्द मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है उल्टी जैसा। क्या करने गए थे बच्चे? बच्चे बकरी चराने गए थे और वो लोग वहीं खेल रहे थे, तो उन्हें कोई ऐसा पौधा दिखा था जिसमें फल थे छोटे छोटे से, मतलब बादाम की शेड जैसे, तो उन लोगों को लगा ये खाने वाली चीज़ है, तो सारे बच्चों ने वो चीज़ खा ली। अच्छा, तभी से हालत बिगड़ गई। हाँ, उसके बाद फिर? उसके बाद तो फिर मेरी नानी गई है। क्या कुछ जानकारी है जी? ये एक्चुअली घटना जो है आपका कोकपुरा शाला जो कि फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत आता है, वहाँ पे उनके परिजन लेके आए हुए थे, कुल मिला के 8 बच्चे थे, लगभग उनके कुल मिला के उनकी जो है उम्र जो है 10 साल के अंतर्गत थी। और लायक बताने के अनुसार ये था कि ये बाहर जो है जानवर चराने गए थे, वहाँ पे किसी विषाक्त फल का जो बीज होता है उसका सेवन करने से उनकी हालत गंभीर हुई, जिनको जिला अस्पताल में लेके आया गया, जिनको प्राथमिक उपचार दे के नहीं उनको तत्काल उनको सफाई रिफर कर दिया गया है। बांदा के रोडवेज और तहसील परिसर के अंदर सिर्फ कागजों पर ही चल रहे रैन बसेरे चल रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जनपद में अभी भी रैन बसेरे जो है वो बंद पड़े हैं, अधिकतर रैन बसेरे में ताले लटके हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसानों के जैविक उत्पादों का विक्रय और आय में वृद्धि करने के लिए सोमवार को ही स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसमें जनपद के किसानों और बाहर से आए वायर्स के बीच उत्पादों के क्रय विक्रय के सीधा संवाद कराया गया और स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान के अंतर्गत कृषि विभाग के तत्वाधान और सुविधा संस्था के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के करीब 550 किसानों को जैविक उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने सम्मेलन उद्घाटन करते हुए किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि किसान समूह ने अपने जैविक उत्पादों और जड़ी बूटी विक्रय न होने की रखी है। मेरा नाम गजन सिंह चौधरी है, मैं नोएडा क्षेत्र से ग्राम बैरोली का निवासी हूँ और नमामि गंगे जब से ये नमामि गंगे पे हमारे यहाँ पे इसका वो शुरू हुआ था तब से काफ़ी मतलब हम लोगों को जागरूकता मिली, गांव में
ये बीज हो गया, खाद हो गया, इन चीज़ों से काफ़ी हम जो हमने अपने गांव में लोगों को इकट्ठा देखा जिन कर करके प्रोग्रेस करवाई, आज हम उन चीज़ों पे विशेष काम कर रहे हैं जो जैसे कोई जो चीज़ आज लुप्त हो रही है, जैसे हमारे गांव में तिल हो गया, ये दालें हो गई, आज धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं तो वो चीज़ें कम हो रही, तो हम सर उस पर क्या कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है हमारा, और एक्चुअली सभी कामों के लिए हम लगातार मतलब ये प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पहाड़ों में आज लुप्त हो रही है उसका हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करें और उसमें आदमी सभी लोगों को जागरूक करें, यही हमारा मिशन है। बाकी अभी सर शुरुआती दौर है, धीरे धीरे जब अगर हम लोग तो उसी के साथ साथ हमारी आमदनी भी ठीक ठाक हो जाएगी, फिलहाल तो अभी हम लोगों को ही शिक्षा और जागरूक करें। धन्यवाद सर। मैं ग्राम सभा बसपा जी, हमारे वहाँ पर जो जैसे मंडवा है और ये हमारा ये गेहूँ की फसलें हैं और दालें हैं, जैसे दालों को ज़्यादा किया जा रहा है, जैसे गहत हो गई, रेस हो गई, इस तरह की दालें काफ़ी उत्पाद में आ रही थी जिनको कि हम मार्केट पर पहुँचा रहे हैं और उनका उत्पाद बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो कृषि विभाग जैविक कृषि विभाग नमामि गंगे ने जो हमारे यहाँ पर काम किया है बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने खाद वगैरह जो है बांटी है, कई यंत्र बांटे हैं, है ना, उससे पूरी गाँव वाले मतलब इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जिस तरह से मामला सामने आया, क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, इस आयोजन में क्या क्या बातचीत हुई है और क्या कार्यक्रम हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोकल इज वोकल को लेकर जो है चाहे उत्तराखंड सरकार हो चाहे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, उत्तराखंड खासकर उत्तराखंड सरकार का जो, क्योंकि लोकल उत्पाद जो हमारे होते हैं चाहे आप मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, तमाम सारे दालें हो गई, उड़द हो गया, तमाम सारे दालों को लेकर या तमाम सारे जो हमारे लोकल की जो पहाड़ों की जो फसलें होती है उनको लेकर जो है जनपद चमोली में जो कृषि मेले का यहाँ पे आयोजन किया गया है और इसमें जो है नमामि गंगे के तहत जो है यहाँ पे कार्यक्रम भी किया गया कि स्वच्छता पखवाड़ा भी मना रहे हैं, तो उसको लेकर जनपद चमोली के किसानों को यहाँ पे, यानी जो किसान यहाँ पे जैविक खेती करते हैं या आजीविका के साथ जुड़े हुए हैं या जिनकी इनकम, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा हो कि लखपति योजना भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लागू की, तो उसके उपलक्ष्य में कृषि विभाग और आपका जो है उद्यान विभाग के प्रधान अमित गोपेश्वर में एक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया, किसानों को बुलाया गया और यहाँ पे जिस तरह की आपने देखा होगा कि जो लोकल प्रोडक्ट हमारे होते हैं, जो पहाड़ों के लोकल प्रोडक्ट होते हैं, उनको बाजार न मिलना, उनका उनकी खरीदारी या विक्रय न होना न हो पाना, लेकिन उसके लिए जो है जो मुख्य विकास अधिकारी चमोली है उनके द्वारा एक आयोजन यहाँ पे किया गया और यहाँ पे जो है देहरादून हो गया, चंडीगढ़ हो गया और आपके जो है नोएडा के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे और एक सेमिनार टाइप का यहाँ पे किसानों के बीच किया गया कि यदि आप को उचित दाम नहीं मिलता है, यदि आपको मार्केट नहीं मिल पाता है, तो जो चीज आप उपलब्ध कराएंगे उसका मार्केट जो है या देहरादून आप भेज सकते हैं या जो है चंडीगढ़ भेज सकते हैं, तो यहाँ के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। लोकल को इस तरह से प्रोत्साहित करने का जो काम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा कहते हैं कि लोकल इज वोकल, यानी कि लोकल में जो भी साग हो हमारी, चाहे आपका दालें हो, चाहे हमारा उड़द हो, चाहे आपका झंगोरा हो, तमाम सारों को उनको व्यापार यानी विदेशों तक इसको कैसे पहुंचा जाए, इसके प्लस में यहाँ पे गोष्ठी भी करेगी और किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी भी दी गई। आपने सुना होगा कि किस तरह से किसान कह रहे थे कि हमने जो है पलायन को रोकने का सबसे बड़ा साधन जो है लोकल वोकल का कार्यक्रम जो यहाँ पे किया गया, तो उसको प्लस में जो है एक कृषि मेले का जो है आयोजन यहाँ पे किया गया था और किसानों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पे इनकी गोष्ठी का आयोजन भी यहाँ पे किया गया। हालांकि जनपद चमोली में तमाम कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि करीब 550 किसानों को जैविक उत्पादों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही बात है कि क्योंकि जो किसान की जो पहाड़ी के जो छोटे काश्तकार होते हैं उनको जो है जानकारी नहीं मिल पाती है कि जैविक खाद कहाँ से आएगा, किस प्रकार से इनको डाला, इनको जो है जो फसल आप बोते हैं चाहे रबी हो, चाहे आपका धान हो, चाहे आपका मंडवा हो, चाहे झंगोरा हो, तो इसके लिए इनको यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया गया। 500 से अधिक किसान यहाँ पे पहुंचे थे क्योंकि सबसे बड़ी बात जो जनपद चमोली की रही इसमें जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे थे और 550 किसानों को यहाँ पे जो है सीधे सीधे जो है एक तरीका जो है जो क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार के यहाँ पे ट्रेनर भी आए थे उनके द्वारा इनको यहाँ पे कहा भी गया कि आप किस प्रकार की जैविक खेती कर सकते हैं या खाद किस प्रकार से डालते हैं, इसका यहाँ पे प्रशिक्षण इनको दिया गया। हालांकि लोकल इज वोकल का जो नारा जो है उत्तराखंड सरकार देती है कितने कारगर साबित होगा लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कृषि विभाग और उद्यान विभाग का एक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था और किसानों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और बातें भी सुनी और ये भी कहा गया कि यदि पलायन को रोकने के लिए हमको यदि कोई ठोस कदम करना है तो लोकल का जो छोटा काश्तकार होता है उसको आगे लाने की यहाँ पे कोशिश
जो मुख्य विकास अधिकारी वो कर रहे हैं जनपद चमोली में। हालांकि उत्तराखंड सरकार तो कह रही है कि लोकल का जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन में किसानों को जानकारियां दी गई हैं, उनको अपने उत्पाद को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसके बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी देने के लिए। पौड़ी जिले के चोबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली सरकारी अस्पताल सतपुली के डॉक्टर के दादागिरी नशे में कैबिनेट मंत्री को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, ये जानकारी सामने आई है। मरीज को जबरदस्ती रेफर कर दिया गया है और राजकीय संयुक्त चिकित्सा सतपुली में रविवार रात 108 की मदद से मरीज अस्पताल में पहुंचने पर अस्पताल के डॉक्टर शिव कुमार नशे की हालत में दिखाई दिए हैं। और यही नहीं, नशे की हालत में उनके द्वारा मरीज के तीमारदार के साथ बदतमीजी भी की गई है और इतना ही नहीं 108 कर्मचारी के साथ भी ये बदसलूकी की गई है। मरीज को बिना देखे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नशे की हालत में डॉक्टर शिव कुमार इतने चूर थे कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वहीं इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी परवीन कुमार ने जांच के उपरांत कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे संज्ञान में आज ही ये मामला आया है और तत्काल ही इसका संज्ञान लेते हुए जो वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है उनको भी मेरे द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि संबंधित का जो है स्पष्टीकरण लेना सुनिश्चित करें। और जो 108 का जो हमारा कर्मचारी था उनसे भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो गरीब जनता है उसको निश्चित रूप से अच्छा इलाज मिले। और विभाग की छवि खराब करने का तो अधिकार किसी को भी नहीं, चाहे वो हमारा डॉक्टर है, हमारा वार्ड बॉय है या जो है 108 का स्टाफ है। राजकीय महाविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर NSUI ने अध्यक्ष पद पर साक्षी तिवारी के नाम की घोषणा कर दी है। NSUI के पदाधिकारियों का दावा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ साक्षी तिवारी छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करेंगी और रविवार की शाम देहरादून रोड पर मौजूद एक होटल में ही NSUI के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें NSUI के पदाधिकारियों के द्वारा छात्रा साक्षी तिवारी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। मौके पर छात्राओं ने साक्षी तिवारी की जीत को हर संभव प्रयास का वादा किया है। मौके पर साक्षी तिवारी की जीत को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रोत्साहित भी किया गया है। साक्षी ने कहा कि NSUI के जिन उम्मीदों के साथ उन पर भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगी। और मैं ऋषिकेश पीजी कॉलेज से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ इस बार। और मेरा जो सर्वप्रथम कार्य रहेगा कॉलेज का, जो मेरी प्राथमिकता होगी वो होगी कॉलेज के छात्र हितों के लिए। सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम अपना मैं छात्र हितों को ही दूंगी, छात्रों का हितों। और किसी भी संगठन, या वो NSUI हो या वो AVP हो, मैं किसी को रखूंगी नहीं। सिर्फ मेरा मोस्ट जो मेरा टारगेट होगा या मेरी प्राथमिकता होगी वो सिर्फ छात्रों का हित होगा, वो लड़के हो लड़कियाँ हों, सबके लिए एक जैसा। धन्यवाद। सर्वप्रथम NSUI के द्वारा जो प्रदेश नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी आपसी सलाह मशवरे के बाद जिला अध्यक्ष के मौजूदगी में वार्तालाप के पश्चात आज NSUI ऋषिकेश महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पे प्रत्याशी को उतारने जा रही है। और अध्यक्ष पद पर जो प्रत्याशी उतारा जा रहा है वह एक छात्रा है और ये गौरव की बात है कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी लड़कियों हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही है, साथ के साथ उसमें छात्राओं की और युवाओं की भागीदारी के लिए सुनिश्चित कर रही है कि युवाओं को मौका मिले, छात्राओं को मौका मिले। इसी कड़ी में हमारे NSUI के विधानसभा के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे NSUI और यूथ कांग्रेस के प्रदेश के बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आज नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर के लोगों को नगर निगम में शामिल होने के 4 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।
सड़क, बिजली, पानी और नाली जैसे सुविधाओं के लिए भी शिवाजी नगर के लोग तरस रहे हैं। कई बार नगर निगम को ज्ञापन देकर शिवाजी नगर के लोग सुविधाएं देने की मांग कर चुके हैं, फिर भी शिवाजी नगर के लोगों को ये सुविधाएं कब मिलेंगी, इसका जवाब देने वाला नगर निगम में कोई नहीं है। और आज शिवाजी नगर के लोग पार्षद जयेश राणा के ही नेतृत्व में फिर से नगर निगम पहुंचे। उन्होंने निर्माण विभाग के एक्शन को ज्ञापन सौंपकर मुख्य रूप से पानी की निकासी को नाली का निर्माण करने की मांग की और लोगों ने ज्ञापन में चेतावनी भी दी है कि समस्याओं को लेकर शिवाजी नगर के लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए अब उनके आगे समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने का भी रास्ता बचा है। बता दें आपको कि इन मांगों को लेकर जब भी नगर निगम के अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए तो बजट नहीं होने का रोना धोना उन्होंने अधिकारियों ने अपना पल्ला जो है वो झाड़ दिया है। थाना खिचा पर वादी सूरज शर्मा पुत्र नथू शर्मा निवासी वार्ड नंबर 6 जगतपुरा रुद्रपुर द्वारा तहसील दी गई और उनकी पुत्री ही जिसका विवाह मात्र एक वर्ष पूर्व राजकुमार पुत्र भोलेनाथ निवासी वार्ड नंबर 15 विकास कॉलोनी की इच्छा के साथ हुआ था, परंतु वादी की पुत्री के ससुराल वाले द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और अभियुक्तगढ़ द्वारा एक राय होकर वादी की पुत्री का तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई और हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को रस्सी से लटका दिया गया। वहीं तहरीर पर थाना किच्छा पर मुकदमे से संबंधित 3 अभियुक्तगढ़ को ही पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।